चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। और जब सिवान की बात आती है तो यहाँ का माहौल तो कुछ और ही नज़ारा पेश करता है। आज चुनावी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीरादेई के विधायक, जदयू विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश जी, आप यहाँ के जीरादेई के विधायक हैं और जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। देश इस जगह को राजेंद्र बाबू का जो जन्मस्थली उसका गौरव प्राप्त है। कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार अभी आप लोगों का? देखिए, चुनाव प्रचार तो बहुत ही ठीक ढंग से चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंतिम आदमी तक भी हम लोग पहुँचें, खास करके जो झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं जहाँ मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे कार्यकर्ता हर दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो सीटों का समझौता हुआ, 17-17 सीट आप लोगों को दोनों दलों में बंटवारा हुआ, कितना फायदा? चूंकि पिछले 2014 का जो रिजल्ट था और इस बार 17 सीट पे आपको लड़ने का मौका मिला है, कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, एक तो पहली बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल है NDA के पक्ष में, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में अगर सबसे अच्छा माहौल है तो बिहार में है। और यहाँ बहुत सम्मानजनक समझौता हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, रामविलास जी को भी, उनकी पार्टी को भी 6 सीटें मिली, हमारी पार्टी को भी 17 सीटें मिली और 17 सीटें जो है BJP को मिली है। एक काफ़ी सम्मानजनक समझौता हुआ, कार्यकर्ताओं में कोई मर्मरिंग नहीं है इसको लेकर के, लिहाजा सारे लोग, सारे कार्यकर्ता अभी NDA के पक्ष में खड़े हैं। एक चीज़ देखा जा रहा है कि इस चुनाव में मुद्दे गौण हो गए हैं और कहीं जात पात की बात हो रही है तो कहीं संविधान खतरे की बात हो रही है तो फिर कहीं कोई ये कह रहा है कि राष्ट्र खतरे में है। ये समझ में, जो आम आदमी है, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसकी बात कम हो रही है और इस तरह की बातें ज़्यादा हो रही है? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात है, ये बात सही भी है, आपका कहना एक हद तक सही है कि बहुत अब मुद्दों पे जब भी चुनाव आ रहे हैं तो मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसके कई कारण हैं। समाज में इतना सामाजिक विभाजन है कि लोग उसी आधार पर अपनी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जबकि आप देखिएगा कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी उम्मीदवार खास करके अपने पार्टी एजेंडे पर कम बोलता है, वो सामाजिक इक्वेशन के चक्कर में लगा रहता है। जबकि स्वस्थ परंपरा तो ये होती कि वो अपने एजेंडे के साथ है, अपने एजेंडे पे बात करे तो ज़्यादा फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, हमारे देश की जनता को भी फायदा होगा और जनता की चेतना का स्तर भी बढ़ेगा। लेकिन आपका कहने का मतलब कि पार्टी, जो भी पार्टी है, वो अपने मूल एजेंडे को भुला चुकी है? देखिए, अब ठीक उस रूप में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें गौण होती जा रही है। मैंने जबकि होना चाहिए कि जो भी पार्टियों का अपना घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र पर फोकस होना चाहिए था, उस पर बहसें होनी चाहिए, उस पर आम जनता को लामबंद करना चाहिए, लेकिन इसका स्पेस थोड़ा कम होते जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, कई चुनावों से देख रहे हैं, इसका स्पेस कम होते जा रहा है। सिर्फ वो जातीय केमिस्ट्री ही, वो इसी में लोग ज़्यादा ये करते रहे। रमेश जी, एक बड़ा बढ़िया बात आपने छेड़ दिया कि घोषणा पत्र की बात कर दी। घोषणा पत्र जो पहले जो भी पार्टी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करती थी उस पर वो अमल करती थी, क्या आज ये खत्म सा नहीं हो गया है? घोषणा पत्र एक माखौल सा बन गया है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। चुनाव में वादे आप कर लेते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, अगर ये कहिएगा तो हम ये कहना चाहेंगे कि खास करके 90 के दशक के बाद देखिए, एक आइडियोलॉजिकल जो पहले प्लैंक हुआ करता था पार्टियों का, उसे करीब करीब सभी पार्टियां थोड़ा दाएं बाएं हो जाती है। पहले 90 के दशक तक देखते थे कि थोड़ी आइडियोलॉजी पर बात होती थी या उस आधार पर कार्यक्रम लोग बनाते थे, अपनी नीतियाँ बनाते थे, वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है इधर, ज़रूर हम इससे सहमत हैं, है कि नहीं? तो इस यही वो कारण है कि अब कोई भी पार्टी कैसे चुनाव जीता जाए, थोड़ा ज़्यादा जोर इसी पे रहता है। उसी के अंतर्गत जैसे BJP का एजेंडा था, राम मंदिर था और भी धारा 370 था,
बहुत कुछ था, लेकिन वो उस आज कई सालों के बाद हमें लगता है कि 20 सालों के इतिहास में पिछला चुनाव हम लोग देख लें तो इस चुनाव में अंतर यह है कि राम मंदिर बीजेपी के मुख्य एजेंडे से राम मंदिर गायब है और आपके एजेंडे में आपका सबका साथ सबका विकास नीतीश जी बात करते थे, लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी का भगवा रंग जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जदयू का जो ये विलीन होता जा रहा है, मोदी जी में विलीन होता जा रहा है, इसको क्या मानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा भगवाकरण नहीं हुआ है, आप देख ही रहे हैं, हम सामने मौजूद हैं, है कि नहीं, ना हुआ है ना आने वाले दिनों में भी कभी होगा, पहली बात। और माननीय नीतीश जी का भी भगवाकरण नहीं होगा। अब भाई गठबंधन है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करना पड़ता है, गठबंधन है, यहाँ बीजेपी भी साथ में है, लोजपा भी साथ में है, तो सब अपने अपने झंडे बैनर के साथ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की सभा थी मैरवा में, आपने भी देखा होगा, हमें लगता है कि गिनती के जदयू का जो भी झंडा था या जो ये आपने जो साफा बांधा हुआ है, ये बहुत चंद लोगों, 15-20 लोगों के पास, बाकी सारे लोग आपके भी कार्यकर्ता जदयू के, जिन्हें हम जानते हैं कि वो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके पदाधिकारी हैं, वो भी गेरुआ रंग में रंगे हुए थे। तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आज किसी भी, जो आपने कहा कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना जरूरी है, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे हो, चाहे वो और भी कई तरीके हैं। देखिए, जहाँ तक गेरुआ की बात है, गेरुआ तो बहुत अच्छा चीज़ है, हम उसको बहुत ये रूप में नहीं देते हैं। गौतम बुद्ध को भी देखिए, उनका भी बसर गेरुआ ही था, है कि नहीं। सवाल कौन व्यक्ति क्या लिया है, इस पर बहस करने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, ये मूल बात होती है। हम लोग समझते हैं कि जनता दल यू अपने एजेंडे पे काम कर रही है, हम लोगों का जो एजेंडा है समाज के सभी वर्गों सभी तबकों को लेकर चलना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज का, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोग सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एजेंडे में है। बाकी एजेंडा जिनके एजेंडे में सब लोग नहीं है, उनसे थोड़ा पूछिएगा, है कि नहीं, हमारे एजेंडे में तो यही लोग हैं। अच्छा, ये सिवान लगभग 90 के दशक के बाद से हमेशा जो भी चुनाव हुआ है शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये अभी भी शहाबुद्दीन के पीछे सिवान की राजनीति घूम रही है या उससे हम लोग निकल चुके हैं? देखिए, हमको लगता है कि शहाबुद्दीन का एजेंडा बाईपोस्ट एजेंडा है। अब कोई हम उस रूप में व्यक्तिगत रूप से उस एजेंडा को बहुत तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन जब शहाबुद्दीन चुनाव लड़ेंगे, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे, तो अमूमन एजेंडा बन ही जाते हैं, लोग बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि सबको अपने अपने एजेंडे पर ही बात करनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से सिवान में बीजेपी का शासन था, बीजेपी के सांसद महोदय थे, फिर अब शहाबुद्दीन की बात क्यों? अब तो बने बहुत समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, लेकिन आज भी आपकी सभाओं में हमें लगता है कि अगर शहाबुद्दीन का चर्चा ना हो तो फिर आपकी सभा भी सफल नहीं हो पाती। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सवाल शहाबुद्दीन की बहुत अब कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है। ये तो आपको समझने की जरूरत नहीं, तो हम तो समझ रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं आपके सामने, है ना, हम तो बोल ही रहे हैं, उसकी बहुत कोई चर्चा की जरूरत नहीं। हम लोग अपने एजेंडे पर चर्चा करें, हम तो अपने एजेंडे पर चर्चा करते हैं, हमारे अपने कार्यकर्ताओं को भी कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी का जो मूल एजेंडा है हम लोग उसी पर बात करें, पब्लिक के बीच में काफ़ी है। नीतीश जी ने इतना काम किया है, आप चले जाइए गाँव में, भाई वो अति पिछड़े समाज के लोग थे जो कल तक मुखिया नहीं बन पाते थे, माननीय नीतीश जी के आरक्षण देने के चलते अब जीरेदेई पंचायत में आप देखिए कई चौहान जाति से तीन तीन मुखिया हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और कई अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महिला मुखिया है। हम तो इसी एजेंडे पर बात करते हैं जनता के बीच में, हर घर बिजली आ गई है, नल का जल का काम हो रहा है, हर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, गांव में अब जाकर देखिए काफ़ी वो गाँव स्मार्ट दिख रहा है। तो हम तो अपने एजेंडे पर बात करते हैं, और इसी एजेंडे पर हम लोग बात ज़्यादा करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। क्या लगता है आपको कि आपने वाकई इसमें कहीं दो राय नहीं कि 10 सालों में बिहार की सूरत बदली है, सीरत बदली है, यहाँ का माहौल बदला है? क्या लगता है आपको कि क्या सिवान की जनता, या यूँ कहें कि हम बिहार की बात कर लें, बिहार की जनता आपके विकास
कार्यों पे वोट करेगी या फिर जात पात का जो जिन भूत है उसके पीछे जनता भागेगी? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि बिहार एक फ्यूडल स्टेट रहा है। यहाँ अगर जो उसका स्ट्रक्चर है सामंती समाज का बहुत लंबे समय तक रहा है, और कास्ट भी कहिएगा तो उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। तो बिहार में और अमूमन हिंदी हार्टलाइन में आप देखें, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ जातीय केमिस्ट्रियाँ बन जाती है चुनाव आते आते। बाकी दिन तो कोई जाति उति की बात नहीं करता है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो जाति एक मूल कारक बन जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक स्वस्थ किसी भी राजनीतिक पार्टी को लगातार कोशिशें करना चाहिए, वो अपने एजेंडे के साथ आए, अपनी एजेंडे पर बात करें। हम तो व्यक्तिगत रूप से कहिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, ये हम लोग तो नीतीश जी के पास इतना बड़ा एजेंडा है, इतना बड़ा काम हुआ है कि हम लोग अगर वहीं बतावें जनता के बीच में तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हम लोगों के पास, उस आधार पर हम लोग हर चुनाव हम लोग जीतते रहेंगे। लेकिन आज तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई हम पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए हमें गालियां दी जाती हैं, हमें और भी बहुत कुछ कहा जाता है। इसको क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री भी जो पिछड़ा वर्ग का जो कार्ड है वो खेलना चाहते हैं इस चुनाव में? देखिए, क्यों कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भाई बहुत बड़े आदमी हैं, है कि नहीं, हम उनके बारे में कैसे कमेंट कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। ये सवाल अब उतने बड़े आदमी के बारे, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के अलावा कुछ है नहीं। अब उतने बड़े आदमी के बारे में अब जाति की बात, पिछड़ा की बात क्यों उठा रहे हैं, अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चलिए सिवान पे हम आ जाते हैं। सिवान पे कैसा चल रहा है, सिवान क्या लग रहा है आपको कि सिवान आपके विकास के पीछे, विकास जो हुआ है उस पर जनता वोट करेगी या फिर शहाबुद्दीन का जो गढ़ माना जाता है सिवान उस फेरे में जाए? देखिए, हम जिन गांवों को घूमे हैं, हमारे साथ पीएन बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, पप्पू बाबू, हम लोग कई गांवों का दौरा किए एक साथ। जनता नीतीश जी के विकास की ही बात कर रही है, हर गांव में, हर टोलों में, खास करके समाज के वंचित हिस्सों में नीतीश जी काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। रात ही हम लोग एक मैदनिया गांव में गए थे, पश्चिम टोला, तो यहां तक कुछ कुशवाहा जाति का ही वो टोला था। पहले एक ज़माने में वो माले का गढ़ हुआ करता था, तो सब नौजवानों ने यही कहा हम लोगों से, आप लोग काहे लिए आ रहे हैं हम लोगों के टोले में, आप लोग नौ भी आइएगा तो हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे, कविता सिंह को वोट देंगे। तो विकास तो हुआ है, हर गाँव में विकास हुआ है और विकास पर अच्छी चर्चा है नीतीश जी की। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जात पात पे विकास हावी रहेगा? हाँ, इस बार जाति पात पर विकास हावी रहेगा बिहार में, सिवान में। चलिए, आपने देखा कि अभी जो जीरादेई के विधायक हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और बड़े अच्छे तरीका से स्वच्छ बातचीत हुई, कहीं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जी जी, देखिए जो सिवान की जो हालात है, इस बार न तो बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा और न हिंदू मुस्लिम होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पे जनता वोट करेगी। रमेश जी, अब मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू मुसलमान की जब आपने बात छेड़ दी, तो आपके जो प्रत्याशी हैं कविता सिंह, जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनके पति अजय सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि इस बार बुर्का और साड़ी की लड़ाई है, ये क्या, ये समझ में नहीं आया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी व्यक्ति जितना कोशिश कर ले, कोई भी व्यक्ति चाहे इधर से उधर से, जी, इस बार ना बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा ना हिंदू मुस्लिम होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है रमेश सिंह जी ने, और एक पूरी तरीके से बोल्ड तरीके से बात अपनी बात को रखा है कि इस बार, हालांकि सिवान दो बार से हम लोगों ने देखा है कि चुनाव के अंतिम दौर में हिंदू मुसलमान हो जाता है, यहाँ पे जात पात के बात हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से रमेश सिंह जी ने जो पूरे क्षेत्र पे, पूरे सिवान के चुनाव पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उनका ये कहना है कि इस बार न हिंदू मुसलमान चलेगा और न कोई जातीय कार्ड चलेगा, इस बार अगर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास, विकास का जो पहिया है जिसे नीतीश कुमार ने चलाया है, और उसी पहिए
के आधार पे जनता उनको वोट करेगी। अब देखना है कि आने वाले 12 तारीख को ये पहिया किस करवट बैठता है और वो उसका जो रिजल्ट होगा वो 23 तारीख को पता चलेगा कि सिवान की जनता ने, बिहार की जनता ने विकास को चुना या एक बार फिर जात पात के चक्कर में आ गई।